हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें जीएसटी को जो है वो नहीं लगाया जाता है या जीएसटी जो किन किन आइटमों पर लगाया जाता है, तो हम इन सारे के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि रेट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, उसके बारे में। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि केस वेयर जीएसटी इज रिवर्स कर दिया जाता है, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि केस जो है जिसमें आउटपुट जीएसटी रिवर्स किया जाता है, उसके बारे में। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एग्जम्प्ट की जाती है जीएसटी से, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी जो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सारा का सारा आप जो है इसके अंदर आप पढ़ेंगे। आग्रह यही रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कि आप वीडियो को जो है पूरा देखें और अंत तक देखें, बीच में वीडियो को बिल्कुल भी क्विट ना करें। तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी जो है वो सबसे पहले जीएसटी के बारे में 24 मार्च 2017 को 24 मार्च 2017 को जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो स्पेशल प्रस्ताव पास किया गया, और ये कमिंग टू फोर्स ये जो है एस्टेब्लिश हुआ, या ये बोल सकते हैं कि पूरे भारत में जो है ये लागू हुआ। ये लागू जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और किन किन वस्तुओं पर ये लागू हुआ, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं या कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जो इससे एग्जम्प्ट रखी गई, उसके बारे में आप आज के चैप्टर के अंदर बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से आप देखें और अपने दिमाग में जो है इन सारी बातों को बैठा लें, क्योंकि ये केवल मात्र अगर आप बात करेंगे प्लस वन में तो आप जीएसटी के बारे में रेट स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ कि आपने इतना जो है माल खरीदा उस पर इतना जो है जीएसटी लगा, और जब आप रियल लाइफ में भी जो काम करते हैं तो भी आपके पास जीएसटी का यदि रेट स्ट्रक्चर दिया होता है। परंतु बात यह आती है कि यदि आप रेट स्ट्रक्चर को जो बंदा सेलर्स है, जो बंदा दुकानदार है, वो कितना जीएसटी लगाएगा, उसको बात उन सबको जो है इन सारी बातों का, या अकाउंटेंट को जो है वो सारी बातों का जो है जीएसटी के बारे में जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है राइज कि जीएसटी का जो है वो रेट स्ट्रक्चर क्या है। जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है उसे 5 लेवल में बांटा गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका कि जब भी आप जीएसटी लगाएंगे तो एसेंशियल जो आइटम्स हैं इंक्लूडिंग फूड, उन पर जो है वो जीएसटी की रेट क्या होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एसेंशियल आइटम्स है लाइक फूड जो है उन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, 0% लगाया जाता है। तो जो एसेंशियल आइटम्स होती है लाइक फूड जो है उन पर किसी भी प्रकार का जो है वो जीएसटी नहीं लगाया जाता है, अर्थात इस पर रेट स्ट्रक्चर जो है वो 0% होता है। उसके बाद दूसरा है जी कॉमन यूज की जो आइटम होती है, जो आइटमें कॉमन यूज की होती है जिन्हें सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, उस पर जो जीएसटी है वो 5% की दर से लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि दूसरी जो आइटम है इसके अंदर वो है जी कॉमन यूज की आइटम है, तो कॉमन यूज की जो आइटम है उन पर जीएसटी जो है वो 5% लगाया जाएगा। आपकी थर्ड आइटम है स्टैंडर्ड रेट जो है, ये बोलते हैं कि इसके अतिरिक्त जो स्टैंडर्ड रेट है उन पर जो है 12% जो है वो जीएसटी लगाया जाएगा। जो स्टैंडर्ड रेट की आइटम है, जिन आइटमों को जो है स्टैंडर्ड रेट नहीं माना जाता है, उन आइटमों को जो है वो उस पर जो है 12% जो है वो क्या लगाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद जो है मैक्सिमम गुड्स ऑल जो है एंड गुड्स एंड ऑल सर्विसेज पर, जो मैक्सिमम गुड्स जो ऑल है या ऑल सर्विसेज पर जो है वो 18% लगाया जाता है। जो जितनी भी अधिकतर वस्तुएं हैं और अधिकतर जो सेवाएं हैं उन पर जो जीएसटी लगता है वो 18% की दर से लगता है, 18% पर एनम की दर से लगता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आती है लग्जरीज आइटम, तो लग्जरीज आइटम में आप सभी जानते हैं कि एरिएटेड ड्रिंक्स अल्कोहल एंड टैबाको प्रोडक्ट आते हैं, और इन पर जो है जीएसटी की दर जो है विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी की दर जो है वो सबसे अधिक है, और वह जो है वो 28% है। तो ध्यान रखें इस बात का कि जो विलासिता की वस्तु है जिसमें एरिएटेड ड्रिंक है, अल्कोहल है एंड टैबाको प्रोडक्ट है, तो उस पर जो है जीएसटी की दर जो है वो कितनी होगी, 28%। तो ये चीज है आपकी कि कौन कौन सी आइटम जो है वो जीएसटी के दायरे में रखी जाती है। ये 5 स्लेब में बांटी गई है जिन पर जीएसटी की दर जो है वो अलग अलग है, जिसमें सबसे पहले एसेंशियल आइटम्स थी, तो एसेंशियल आइटम्स पर आपको पता होना चाहिए कि 0% जो है वो जीएसटी लगेगा। उसके बाद कॉमन यूज की आइटम थी तो कॉमन यूज पर 5% लगेगा। उसके बाद जो अगली आइटम्स थी वो स्टैंडर्ड रेट की थी तो स्टैंडर्ड रेट पर 12% लगेगा। और मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज पर,
मैक्सिमम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो है वो 18% लगेगा फोर्थ में। उसके बाद लास्ट में थी जो लग्जरीज गुड्स हैं जैसे अल्कोहल है या कोई ड्रिंक है या ड्रिंक्स है या टोबैको प्रोडक्ट है उन पर जो है जीएसटी दर जो सबसे अधिक होती है और वह 28% होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप इसको ध्यान में रखें और याद में रखें कि ये जो ये रेट स्ट्रक्चर जो है जीएसटी का था। उसके बाद अब बात आती है कि केस, कई बार ये केस होता है कि वेयर जीएसटी इज रिवर्स, कि जीएसटी जो है वो रिवर्स किया जाता है, कि जीएसटी इनपुट जीएसटी जो है उसको रिवर्स किया जाता है। तो वो कौन कौन से केस है कि जिसमें जीएसटी जो आपने इनपुट जीएसटी था उसको आप क्रेडिट करेंगे और किस प्रकार से उसको करेंगे, केस व्हेन जीएसटी जो है आपने जो है पेड कैन भी जो है वो रिवर्स किया जाता है तो किस प्रकार से उसको आप करेंगे, तो उसको किस प्रकार से आप क्रेडिट करेंगे, वो है या कौन कौन से आइटम को जो आप क्रेडिट करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ आइटमों के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें सबसे पहली आपकी आइटम है वो है जी आपकी परचेज रिटर्न, कि अगर परचेज रिटर्न हो, अगर कोई माल आपने परचेज किया उसको रिटर्न करते हैं तो उसमें जीएसटी को जो है वो इनपुट जीएसटी को जो है क्रेडिट किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई, नंबर दो, अगर आपकी गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई तो जो आपका इनपुट जीएसटी है उसको क्रेडिट किया जाएगा। इसी प्रकार से आपका गुड्स जो है यदि रिटर्न ऑफ हुई तो उसको भी जो है आप जो है क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ गुड्स को भी जो है वो जीएसटी में जो है इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे। गुड्स स्टोलन अवे या लॉस हो जाती है उसमें भी जो आपका जीएसटी है इनपुट जीएसटी उसको क्रेडिट किया जाएगा। गुड्स गिवन एज ए गिफ्ट, तो जो अगर गुड्स है जी गुड्स गिवन एज ए गिफ्ट है तो उसमें भी इनपुट जीएसटी को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी इनपुट जीएसटी को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। इसी प्रकार से आपको बताना चाहिए चैरिटी के रूप में आपने जीएसटी दी तो इसी प्रकार से गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, तो इस प्रकार की कंडीशन में भी जो है वो इनपुट जीएसटी को क्रेडिट किया जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल, तो वो भी जो ऐसी कंडीशन अंदर भी जो है वो इनपुट जीएसटी को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर ही पर्सनल और डोमेस्टिक यूज, इसका कंडीशन के अंदर भी जो है इनपुट जीएसटी को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो ये आइटमें थी कि जहां पर जो है केस वेयर जीएसटी इज रिवर्स्ड, तो जीएसटी को जो है वो रिवर्स कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। उसके बाद अब बोलते हैं कि केस वेयर आउटपुट जीएसटी, ये तो था इनपुट जीएसटी को जो है रिवर्स किया जाता है, केस वेयर आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड, जिसमें आउटपुट जीएसटी को जो है रिटर्न किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन होती है सेल रिटर्न की। कौन सी कंडीशन होती है जी, सेल रिटर्न की। अगर आपने सेल किया गया माल जो है आपके पास वापिस आ जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आउटपुट जीएसटी को जो है वो डेबिट किया जाता है, तो इस प्रकार की कंडीशन थी। उसके बाद अब होता है कि केस वेयर जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, तो ये बोलते हैं कि ऐसे कौन से केस हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि इनपुट जीएसटी को जो है आउटपुट जीएसटी के साथ जो है एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप माल परचेज करते हैं तो आप जीएसटी को पेड करते हैं, और जीएसटी को पेड करने का मतलब ये कि बिजनेस का खर्चा नहीं है बल्कि ये बिजनेस का असेट माना जाता है। इसी प्रकार से जब कभी आप माल सेल करते हैं तो आप आउटपुट जीएसटी आपको प्राप्त होता है, और आउटपुट जीएसटी को प्राप्त करने का मतलब है कि आपको इनकम प्राप्त नहीं बल्कि वह आपकी लायबिलिटी है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि केस वेयर जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड, कि जीएसटी कलेक्टेड से जो है उसको सेट ऑफ नहीं किया जाता, तो ऐसी कंडीशन है। नंबर एक, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, अगर आप स्टाफ को जो है वो फ्री गिफ्ट देते हैं, तो अगर आप किसी भी स्टाफ मेंबर्स को फ्री गिफ्ट देते हैं तो उसे जो है सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, मतलब जो केस वेयर जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड। नंबर दो बात है कि परचेज ऑफ व्हीकल्स बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेस, कि अगर आप कोई भी व्हीकल्स जो है परचेज करते हैं जो आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उसके अतिरिक्त नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेस के अतिरिक्त, तो उसको भी जो है वो सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जो है रिपेयर ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग की रिपेयर और मेंटेनेंस करते हैं तो उसको भी जो है सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, अगर कलेक्शन से पेमेंट को अगर कलेक्शन से जो है सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका अगला है वो पेमेंट फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस, कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करते हैं उसको भी जो है जीएसटी कलेक्टेड को जीएसटी पेड से जो है वो सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो है आपका मेंबरशिप फीस फॉर द क्लब
हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। तो अगर आप जो है मेंबरशिप फीस देते हैं किसी भी क्लब की, किसी भी हेल्थ सेंटर की या फिटनेस की, तो उसको भी जो है सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, कि अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई भी पेमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको भी सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, दैट इज कि अगर आप रेस्टोरेंट का बिल देते हैं, तो अगर आप रेस्टोरेंट का बिल देते हैं तो उसको भी इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी से जो है वो सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अगला जो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द परचेज ऑफ परचेज और फॉर द सेल ऑफ विच एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी, और कोई भी ऐसे आइटम जिसको आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, उनके अगेंस्ट भी जो है इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से जो है वो सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, अर्थात इसको जो है वो नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद अगला ये जो था जो आपका कि वेयर केस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड। उसके बाद अगला जो आपका आइटम है वो है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट की जाती है जीएसटी से, कि कौन कौन सी ऐसी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं कि जो एग्जेम्प्ट की जाती है कि जिस पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आइटम्स है जी आपकी कि आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, अगर आप किसी प्रकार की वेजेस एंड सैलरी पे करते हैं तो उस पर भी उसको जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। नंबर दो बात, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उसके बाद अगला जो है वो है कि आपका वाटर बिल, अगर आप वाटर बिल की पेमेंट करते हैं तो उसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इस पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं रहेगा। एजुकेशनल सर्विसेज देते हैं आप, एजुकेशनल सर्विसेज अगर आप देते हैं तो उसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, किसी प्रकार की एजुकेशनल सर्विसेज देने को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, उस पर भी किसी प्रकार का जीएसटी नहीं रहेगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जो आपका हेल्थ सर्विसेज है, अगर आप हेल्थ सर्विसेज देते हैं तो हेल्थ सर्विसेज को भी जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको भी जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, उसको एग्जम्प्ट किया गया है जीएसटी से। इसी प्रकार से सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द वर्ल्ड बैंक, यूएनओ एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूएनओ लाइक वर्ल्ड बैंक में अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपनी सप्लाई करते हैं सर्विसेज, तो उस पर भी जो है वो किसी प्रकार का जीएसटी लागू नहीं होगा। इसके बाद अगला जो है वो है जी आपका कि अगर आप जो है सप्लाई करते हैं सर्विसेज टू द एम्बेसी, अगर आप राजदूत के रूप में सेवाएं देते हैं अदर कंट्री में, तो उस पर भी जो है वो किसी प्रकार का जीएसटी लागू नहीं होगा। कि अगर आप जो है सर्विसेज सप्लाई करते हैं एज एम्बेसी ऑफ द अदर कंट्रीज की, अगर आप राजदूत के रूप में अपने कंट्री में जो सेवाएं दे रहे हैं तो वो भी उनकी जो भी सर्विसेज होती है उस पर भी किसी प्रकार का जीएसटी लागू नहीं होगा। तो ये था जी आपका कि जीएसटी के दायरे में आने वाली कौन कौन सी आइटम है और कौन कौन सी आइटम है जो है उनको कैसे सेट ऑफ किया जाता है, और आपने देखा भी जीएसटी के 5 स्टेप के रेट्स क्या थे। उसके बाद आपने देखा कि कौन कौन सी आइटम में अंदर एग्जाम की जाती थी, वो भी आपने देखी। उसके बाद अब बात आती है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी, तो ये बोलते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी को जो है जीएसटी अकाउंट को जो है 5 भागों में बांटते हैं। एक होता है इनपुट सीजीएसटी, दूसरा होता है इनपुट एसजीएसटी आल्सो कॉल्ड इनपुट यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी भी बोलते हैं एसजीएसटी को, क्योंकि अगर आप स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी में टैक्स लगा रहे हैं तो फिर वो स्टेट जीएसटी की जगह यूनियन टेरिटरी जीएसटी अकाउंट पे आपको बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इनपुट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको बोलते हैं इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। इसी प्रकार से अगला जो अकाउंट है वो है जी आउटपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको आप बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी। इसी प्रकार से आउटपुट एससीएसटी या आउटपुट यूटीजीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आउटपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और लास्ट वन इज आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि हम क्या करते हैं कि इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ जो है एडजस्ट करते हैं,
और फिर भी यदि कोई बैलेंस बचता है तो उसे जमा कर दिया जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी में, मतलब जो भी आपकी गुड्स एंड टैक्स अथॉरिटी की जो एजेंसियां हैं। और इसके ये सारी बातें सीखने के बाद आपको एक बात भी सीखनी होगी कि जो आपके पास रेट के स्लेब दिए हैं ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यदि जीएसटी काउंसिल इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहे और परिवर्तन करने से फायदा हुआ तो ऐसा जीएसटी काउंसिल कर सकती है, और जीएसटी काउंसिल ऐसा करती भी है। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि जीएसटी काउंसिल यदि किसी प्रकार के रेट जो स्लेब दिए गए हैं, पांच स्लेब में जो बांटा गया है, इसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहे तो वह कर सकती है। और किसी प्रकार की इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी को लागू करते समय यदि लगता है कि ऐसा इसमें परिवर्तन करने से जो है वो फायदा हुआ, बिजनेस में फायदा हुआ या बिजनेस देश को फायदा हुआ या टैक्स कलेक्शन में आपको कोई प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो जीएसटी यदि परिवर्तन करना चाहे तो जीएसटी काउंसिल जो है जिसके लिए स्थापित की गई है, तो जीएसटी काउंसिल यदि इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहे तो ये जो है इसमें कर सकती है। तो ध्यान रहे आपको इस बात का भी ध्यान, विशेष ध्यान रखें कि पिछली दो वीडियो भी आप बड़े ध्यान से देखें, ये हमारा तीसरा पार्ट है, और इस वीडियो को भी जो है आप बड़े ध्यान से देखें क्योंकि जीएसटी को यदि आपने ध्यान से समझना है तो आपको तो एक रेडियो पता होना चाहिए कौन सी आइटम एग्जाम्ड है, कैसे इसको सेट ऑफ किया जाता है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और अगर ये सारी बातों को आपको पता होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में जीएसटी तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, और टैक्स को छोड़ दो अब आप, जीएसटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जीएसटी को करने के लिए, जीएसटी को समझने के लिए, जीएसटी का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे अब कुछ समय के बाद, तो अगले वीडियो में हम करेंगे, तो आपको सबसे पहले जीएसटी को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले जीएसटी का जो है थ्योरेटिकल पोर्शन का होना, याद होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप जो है पिछली दो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, आप तीसरी वीडियो को देखें, उसके बाद अब हम इसकी प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। तो यदि आपने ये दोनों वीडियो या तीनों वीडियो जो है ध्यान से समझ ली तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का व्यवहारिक ज्ञान ना आपको तब होता है जब आपको उसका जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो, तो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको सबसे पहले होनी चाहिए और फिर आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।